आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों का मनपसंद स्नैक फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बड़े साइज के आलू ले लीजिए और उसके लंबे स्लाइसेस कर लीजिए। आप स्लाइसर के बिना भी आलू को काट सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि ये स्लाइसेस लगभग एक ही साइज में हो ताकि ये एक समान पके। अब इन स्लाइसेस को बर्फीले पानी में 8 से 10 मिनट तक भिगोए रखें। अब हम इन आलू के स्लाइसेस को स्टीम के सहारे पकाएंगे। एक बर्तन में पानी उबाले और उसके ऊपर इस तरह की एक छलनी रखें और आलू को 5 मिनटों के लिए स्टीम पे पकाएं। अब आलू के स्लाइसेस को निकाल कर उनको सूखे कपड़े से सुखा दे। कुरकुरे आलू के स्लाइसेस बनाने के लिए हमें इनको जिपलॉक में डालकर फ्रीजर में 15 मिनट के लिए रखना होगा। कुछ लोग फ्राइज बनाने के लिए आलू को डबल फ्राई करते हैं, पर अगर आपको तुरंत सर्व करना हो तो एक बार तलना भी काफी होगा। अब इसमें नमक और काली मिर्च छिड़किए और फ्रेंच फ्राइज तैयार है। अब आप अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें आपके स्वाद अनुसार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।